डॉक्टर जी, आपने कोई गाना सीखा, कश्मीरी गाना कोई आपने सीखा? मुझे एक गाना थोड़ा आता था पर मैं अभी थोड़ा भूल गया, फिर भी थोड़ा सा ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। एक्चुअली भूल गया था। हाँ। एक गाना एक था, मैं आपको बताऊं, पोषण वाला मेरा यूर वायूर ऐसे कुछ है। पोषण वाला मैं दिल भरो। हाँ, पोषण वाला मैं दिल भरो यूर है। पोषण बहारो यूर। हाँ, ऐसे कुछ है। पोषण बहारो यूर वाला ऐसे कुछ। जी, हाँ, चलो ठीक है, चलो ये गाना याद हो गया। तो कश्मीर के लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे सिर्फ आपके बारे में? इस बार हम मौसम नहीं पूछेंगे। जी जी जी, लोगों को कोई स्पेशल नहीं है, लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रहे, आबाद रहिए। और बढ़िया, और कश्मीरी में कुछ बोल दो जाते जाते। कश्मीरी क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम सबको। श्रीनगर है ना ये? हाँ, मेट्रोलॉजिकल ऐसे डिपार्टमेंट श्रीनगर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर में, और मेरे साथ सोनम लोटस जी हैं, जिनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। पी लोटस के नाम से लोग इन्हें जानते हैं, क्योंकि मोस्टली जो ये वेदर प्रेडिक्शन करते हैं वो तो खैर एक्यूरेट कहीं ना कहीं होती है, कभी कभी ऊपर वाले की मर्जी है, ये तो कुदरत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर एक बात में मैं इधर वेदर नहीं जानने आई हूँ, मैं सोनम लोटस के बारे में आपको बताऊंगी ऐसी बातें जो आप भी नहीं जानते हैं। तो सोनम लोटस जी, बताइएगा कश्मीर के में आपको लेकर इतनी फैन फॉलोइंग है, कश्मीर के लोग आपको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, क्या लगता है, क्या रीजन है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं लोगों को, जो दर्शकों को, कश्मीरी के लोगों को, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अब लेकिन बात सच्चा है कि मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ। क्या बात है, जितना कश्मीर के लोग करते हैं उतना ही सोनम लोटस भी कश्मीरी होगा। उससे ज्यादा करता हूँ, उससे ज्यादा करती हूँ। ऐसे ही मेरा भी है कि मैं भी उतना ही करती हूँ जितना मुझे मिलता है, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही करती हूँ। तो अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपको लद्दाख और कश्मीर दोनों में से ज्यादा लगाव किससे हो गया है, अटैचमेंट किससे हो गया है? मैं सच्चाई बता दो, अटैचमेंट तो ऐसे है क्योंकि मैं लद्दाख में, मेरा पैदाइश, मेरा मतलब मैं वहाँ पे पैदा हुआ है, मेरा मातृभूमि है, तो मैं वहाँ पे मतलब मेरा एक अटैचमेंट ज़्यादा है मेरा अपने घर में। तो बाकी कश्मीर भी, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मेरे मुझे तीनों में बहुत मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको ऐसे दिली लगाव हो गया है कि नहीं, यहाँ के लोग तो मेरे अपने हैं। ऐसा तो है ही, लद्दाख तो है ही, क्योंकि आप उधर के हो। कश्मीर के लोगों को लेके क्या लगता है कि ये मेरे अपने लोग हैं, कैसे लगते हैं, उनका नेचर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, कश्मीर के लोगों को भी अच्छा लगता है मुझे, बल्कि मैं बताऊँ, मुझे लद्दाख, जम्मू कश्मीर तीनों मतलब बहुत ही, मतलब तीनों से प्यार नहीं, बहुत प्यार है। मैं इसलिए रीज़न बताता हूँ, मेरा पैदाइश हुआ है लद्दाख में, मेरा इब्तदाई तालीम हुआ है लद्दाख में, इसके बाद मैंने अपना एजुकेशन, हायर एजुकेशन मैंने जम्मू में किया, जिसको जो मेरे प्राइम यूथ का, जो यूथ का मैंने पूरा, जो मैंने एजुकेशन जो कॉलेज जी जम्मू में और यूनिवर्सिटी में, मेरा पढ़ाई जो मेन पढ़ाई जो है जम्मू में हुआ है। इसके बाद जो जैसे जॉब मिला, तो जॉब करने का मुझे, लोगों को जैसे सेवा करने का मौका मिला, मुझे श्रीनगर में, कश्मीर में बैठ के जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सेवा करने का मुझे मिला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों हो गई आपकी? तो बहुत पहले हो चुका है। तो फिर वहाँ पे मिस नहीं करते हैं फैमिली को, बच्चों को मिस नहीं करते हैं? जी जी, मिस तो करते हैं, पर लोग वो भी यहाँ पे बैठते हैं तो हम मिस भी करते हैं, कभी हम भी जाते हैं, कभी वो भी आते हैं, लेकिन लोग यहाँ पे इतना प्यार करते हैं तो कि जाने का मन ही नहीं करता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाने का भी मन करते हैं, मिस तो होते हैं, बट ओवरऑल जो है प्यार मिलता है कि आप आराम से रह जाते इतना, हैं। इतना नहीं, बहुत ही प्यार मिलता है। तो सोनम लोटस जी के ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो जाते जाते हम सोनम जी से एक मैसेज लेंगे, उससे पहले हम जानेंगे, सोनम जी आप बताइएगा, हम आपसे मिलने जम्मू से आए यहाँ पे, और आपका इतना स्माइलिंग फेस हमेशा रहता है, क्या राज है, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, हालांकि लद्दाख के लोग जो है वो ऐसे ही होते हैं, बड़े पोलाइट होते हैं, हमेशा उनका स्माइलिंग फेस रहता है, और आप ऐसे हंसते हंसते अपना सारा काम करते हैं, हालांकि आपका बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है। जी, सबसे पहले तो अभी देखो, मैं ये कहना चाहूंगा, आई विश लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम जम्मू। आप जम्मू से इतना सर्दी के मौसम में हमारा यहाँ पे मतलब हमसे बातचीत करने के लिए आए हैं इतनी दूर से, तो मैं आप लोग आपका बहुत दावेदार हूँ, आभारी हूँ।